अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी अमीर हमजा एंड यू गाइस आर वाचिंग हमजू पिशोरी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी लाइफ को करेंगे एंजॉय। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिवाइस के हवाले से जिसको अनबॉक्स करने का मेरा काफ़ी टाइम से दिल भी कर रहा है। और ये एक ऐसी डिवाइस है कि एक फ़ोन में जितनी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए वो इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेगी। वो है जी पोको का X5 Pro। सो फाइनली पोको X3 Pro के बाद पोको X5 Pro काफ़ी टाइम बाद आया है, बट ये कि ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसमें जो हमारे पास रैम रोम दी गई है वो है 8 GB रोम है, रैम है सॉरी, और 256 GB का हमारे पास यहाँ पे जो है स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और ये है 5G वेरिएंट है, ठीक है। इसके अलावा इसको फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं, मेन हाईलाइट्स में आपको अनबॉक्स करने के बाद ही बताता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे सिंपल जो के पोको सीरीज़ की बॉक्स आते हैं वैसे ही यहाँ पे हमारे पास बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको एक यहाँ पे आपको इसमें जो है कवर्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाता है, साथ में पेपर वर्क है, ठीक है। तो कवर यहाँ पे हमारे पास सिलिकन का कवर है, ठीक है, सिलिकन कवर है। यहाँ पे हमारे पास इस दफ़ा जो डिज़ाइन दिया गया है पोको सीरीज़ में काफ़ी एक जो है डिसेंट डिज़ाइन दिया गया है। पोको सीरीज़ में ज़्यादातर जो डिज़ाइन आते थे एक गेमिंग टाइप के आते थे और थोड़े से ओवर करके डिज़ाइन होते थे, जो कि डिज़ाइन के लिहाज से इतने खूबसूरत नहीं होते थे, बट ये कि स्पेसिफिकेशन काफ़ी बेटर होती थी। इसमें डिज़ाइन भी जो दिया गया है काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। उसमें जो मेन स्पेसिफिकेशन हाईलाइट की गई हैं वो ये हैं, जिसमें हमारे पास स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है, 778 5G प्रोसेसर है, ठीक है। और इसके अलावा 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज की फुल HD+ एमुलेट डॉट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, डुअल स्पीकर है, NFC यहाँ पे इनेबल्ड किया गया है। और दूसरी बात जो है हमारे पास 67 वॉट का यहाँ पे हमारे पास टर्बो चार्जिंग मिल जाता है, जो कि 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। सो इस फोन को कर लेता हूँ रैपर से रिमूव, और मैंने रैपर से रिमूव कर लिया है। फोन को रिमूव करते ही आपको यहाँ पे फर्स्ट जो जिस पे नज़र पड़ती है वो इसकी जो है एक लुक है, जो कि काफ़ी एक खूबसूरत डिज़ाइन की लुक दी गई है। यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग की गई है, ठीक है। और हमारे पास ये जो बैग दिया गया है ये जो है प्लास्टिक है, साइड भी हमारे पास जो फ्रेम है ये भी प्लास्टिक है, और फ्रंट जो है हमारे पास ग्लास जो है गुला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है, IR ब्लास्टर है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। नीचे हमारे पास सिम ट्रे है, Type-C पोर्ट देखने को मिल जाती है, और स्पीकर्स है हमारे पास यहाँ पे डुअल स्पीकर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसकी जो है सिम ट्रे चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास मेमोरी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है या नहीं। हमारे पास जो सिम ट्रे है यहाँ पे सिर्फ 2 SIM आप लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ आप 2 SIM यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो 900 की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे डॉट डिस्प्ले दी गई है, नॉच है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो कलर्स दिए गए हैं 1 billion तक के हमारे पास कलर्स मौजूद हैं, जो कि काफ़ी एक ब्राइट डिस्प्ले भी हो जाती है, उसमें यूज़ करने में आपको काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास गुरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, अगर आपको 3-4 फुट से फ़ोन गिर भी जाए तो आपको फ़ोन को ब्रेक होने का चांस नहीं है, सही है। इसके अलावा इसके फ्रेम्स की बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पे साइड्स के फ्रेम्स दिए गए हैं ये प्लास्टिक हैं, बैग भी हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक की आ जाती है। गुरिल्ला ग्लास 5 और बैग जो प्लास्टिक हो, एक कम्बिनेशन काफ़ी एक परफेक्ट कम्बिनेशन होता है एक फ़ोन का। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास जो मेन हाईलाइट जो दूसरी है वो है हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसर। हमारे पास हमें जो प्रोसेसर दिया गया है पोको X5 Pro में वो है स्नैपड्रैगन 778 का 5G प्रोसेसर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 778 की जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें एंटूटू स्कोर की, तो हमारे पास यहाँ पे 6,50,000 तक के स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर फ़ोन में MediaTek के प्रोसेसर आते हैं, बढ़िया कि वो भी काफ़ी एक गेमिंग प्रोसेसर होते हैं, अच्छे प्रोसेसर होते हैं, और यह कि ये जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है वो काफ़ी एक एफिशिएंट प्रोसेसर होता है, जो कि एक गेमिंग के लिए काफ़ी एक बेहतरीन होता है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो PUBG के ग्राफिक्स हैं, अगर आप इस प्रोसेसर पे अगर गेमिंग चलाते हैं तो आपको स्मूथ, और मीडियम पे अगर आप चलाएंगे आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड करेगा, और अगर HD और HDR पे चलाते हैं तो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं हार्डवेयर के लिहाज से इसकी बात करूँ इस फ़ोन की, तो काफ़ी एक अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी टाइम से स्नैपड्रैगन की इस सीरीज़ में कोई भी चिपसेट नहीं आया था। इसकी जो प्राइस टैग है उसके हिसाब से भी काफ़ी एक खूबसूरत चिपसेट हो जाता है, एक पावरफुल चिपसेट हो जाता है। दूसरे हमारे पास यहाँ पे जो रैम दी गई है 8 GB रैम दी गई है,
और हमारे पास जो स्टोरेज है 256 GB की, यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बैक पे हमारे पास ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि मेन कैमरा 108 MP का है, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड जो सेंसर है हमारे पास 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है और 2 MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको हमारे पास यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है 16 MP का देखने को मिल जाता है। तो बैक कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो बैक कैमरे के में मैंने कुछ पिक्चर्स कैप्चर की हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक पोर्ट्रेट की पिक्चर है जो कि काफ़ी एक डिसेंट पिक्चर आपको क्लिक करके देता है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ सिंपल पिक्चर्स हैं। तो कैमरे के लिहाज से अगर आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं इस फ़ोन से, तो एक काफ़ी खूबसूरत जो है एक कैमरा और आपको जो पिक्चर्स क्लिक करके देगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग मौजूद है 1080p 4K तक की जो है ऑप्शन मौजूद है, 4K 30fps। अगर 1080p पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको 60fps पे प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करें तो हमारे पास फ्रंट कैमरा जो है 16 MP का है, ठीक है। इस पे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको 1080p 30fps प्रोवाइड करेगा और 1080p पे 60fps और 720p भी आपको 30fps प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसकी अगर पिक्चर्स क्वालिटी की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास फ्रंट जो कैमरा है इस तरह का यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा जो है मेकअप वगैरह थोड़ा सा आ जाता है, बढ़िया की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर इसकी चार्जिंग की बात करें, हमारे पास यहाँ पे 67W का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि और 5000 की mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 45 मिनट्स में आपको फुल 0 से 100% आपको 45 मिनट्स में फ़ोन चार्ज करके दे देगा। इसके अलावा इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन जो दिया गया है वो है एंड्रॉयड वर्जन 12 है। इसके अपडेट्स जो हैं काफ़ी जल्दी जल्द आते रहते हैं, बढ़िया के फिलहाल यहाँ पे हमारे पास आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाता है, जो कि वर्क करता है MIUI 14 पे, जो कि यहाँ पे हमारे पास पोको का एक लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इसके अलावा इस फ़ोन की अगर ओवरऑल बात करूँ तो हर चीज़ ऐसी है कि हर चीज़ परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छी है। अगर आप इसकी कैमरे की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, ठीक है, तो हर चीज़ में ये फ़ोन एक पावरफुल फ़ोन देखने को आपको मिल जाता है। इसकी अगर प्राइस रेंज की मैं बात करूं तो ये अगर आपको चाहिए पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली PTA प्रूफ स्टॉक वारंटी वाला आपको मिल जाएगा, 1,10,000 रुपये का ऑफिशियल इसकी प्राइस है और कुछ डिस्काउंट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके दे दूंगा। हमारी जो शॉप का एड्रेस है, मैं आपको शॉप का एड्रेस बता दूं, हमारी आई लिंक के नाम से शॉप है, नियर बाय बिलोर प्लाजा पिशावर सदर में है। आप हमारी शॉप पर भी आ सकते हैं। अगर आपको ये फ़ोन ऑर्डर करवाना हो तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप मुझसे जो है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस फोन का ऑर्डर वगैरह लगवा सकते हैं। 1,10,000 रुपये इसकी ऑफिशियल प्राइस है, पर थोड़ा बहुत आपके साथ गुजारा वगैरह थोड़ा बहुत हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये फोन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये फोन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइमली मिल सके और बखबर रहें इसी तरह की रिव्यूज़ वगैरह से, इस तरह की फ़ोन की अनबॉक्सिंग से। अगर आज इस फोन की अगर डिटेल रिव्यू अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको इस फोन की डिटेल रिव्यू वगैरह बता दूँ। ये तो सिर्फ अनबॉक्सिंग थी, इंशाल्लाह डिटेल रिव्यू भी ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।